गुड इवनिंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं एकदम वधिया, तुसी दसो अपने हाल चाल। स्वागत है आपका व्लॉगिंदर सिंह के इस चैनल में। मैं आपका अपना रविंदर सिंह। तो मेले का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, सेकंड पार्ट अब बनाने जा रहा हूँ जो कि है नाइट में। और हमारी फैमिली के ही दो छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं हमें व्लॉग में आना है, व्लॉग में आना है। तो देख लो उनको, हेलो बोलो। हाय गाइस, कैसे हो? हेलो। एक और है, तीन है, दो नहीं है, तीन है। तो ये भाई, ये स्पेशल बॉम्बे से है और ये दो दिल्ली वाले हैं और कह सकते हैं NRI हैं। ये स्पेशली अमेरिका से हैं बट अभी दिल्ली में रह रहे हैं ये। तो देख रहे हो इसको कैसे हंस रहा है, ये एक्साइटेड है फुल। भाई बोल, कुछ क्या बोलना चाहता तू, जल्दी बोल। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है भाई, तू नहीं बोलेगा? और बेल आइकन करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल कर दो। भाई लो, कह दिया छोटे छोटे बच्चों ने, इनके तो मान लो कर दो आप। चलो फिर, आपको मेले में मिलता हूँ। चलो फिर। तो गाइस, ये है एंट्रेंस यहाँ का और पीछे माइक चल रहा है, इसलिए आपको आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ पाएगी। हो सका तो मैं वॉइस ओवर करूँगा। और ये है गुरुद्वारे का एंट्रेंस। एंट्री हमने कर ली है, चलो फिर आगे आपको दिखाता हूँ, सीधे गुरुद्वारे में होता हूँ। तो गाइस, गुरुद्वारा मैंने आपको दिखा दिया है, दर्शन करा दिए हैं। तो वो शॉपें दिखाई जाएं, सुबह तो दिखा दी थी पहले पार्ट में। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके पहले देखो, तब मॉर्निंग का दिखेगा, फिर आपको रात का ये मेला आके देखो। तो अभी मैं शॉप दिखाता हूँ। रात को इस समय टाइम हो रहा है 11, और इस समय शॉप की रौनक, मेले की रौनक ये दिखाता हूँ। तो अभी तक शॉप लगी हुई है, ये माल लगाया जा रहा है यहाँ पे रात के लिए, और ये सब हो रहा है। बाकी मेला घूमते हैं, शॉप दिखाते हैं आपको। स्वीट कॉर्न आइसक्रीम वाले भैया अभी तक हैं, बताया था ना मैंने, इनका अड्डा यही है, हर बार जब भी आओगे यही मिलेंगे। भाई साहब गन्ने का जूस रात में, कह तो रहा हूँ रात है, दिन है, बात एक ही है, मेला है भाई। अभी लोग आने लगे हैं क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं, तो यहाँ ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है।
मौसम यहाँ दिल्ली से तो बहुत बढ़िया मौसम है, यहाँ पे रात को रजाई लेनी पड़ती है, यहाँ पे पंखे चलते हैं ताकि मच्छर ना, और मच्छर भाई साहब कहते हैं ना गांव के लोग तगड़े होते हैं तो यहाँ के मच्छर भी बड़े तगड़े हैं। और ये दुकानें वही जो सुबह दिखाई थी, और ये पॉपकॉर्न, देसी पॉपकॉर्न। भाई की पग चेक करो यार, एकदम हीरो लग रहा भाई। और इस गांव की एक खास बात मेरे को और ये लगी कि जैसे हम दिल्ली में बाइकें खड़ी कर देते हैं ना और वो टो हो जाती हैं, तो मेरी बाइक यहाँ खड़ी हुई है इस गली में, यहाँ सब बाइकें खड़ी हुई हैं, तो यहाँ टो करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पर भी लगा दो। मतलब यहाँ दिल्ली की तरह चोरी चपाटी और ये सब नहीं है। अब फोटोशूट चल रहा है लॉन्डो का, ये दुकानें खुलने लगी हैं रात के लिए, तो कभी आना ज़रूर हाजिरी लगाने गुरुद्वारे में। दुकानों की रौनक देखो यार। कौन बनाए जा रहे हैं देसी तरीके से, ये देखो क्या डाल, तो ये मक्के के दाने, ये पॉपकॉर्न है भाई, तो पैक करना भैया 20 के पैक कर दो। यहाँ भैया रात में भी लगे हुए हैं, तो भैया हर साल लगाते हो आप यहाँ पे? हाँ हर साल लगाते, 10 साल हो गए। 10 साल, क्या बात है, 10 साल पहले तो मैं बहुत छोटा था, बहुत तब भी आता था, अभी तो 4-5 साल बाद आया हूँ। रौनक इस बार थोड़ी की वजह से, कोविड तो चल ही रहा है, तो क्या भीड़ कम हुई है या फिर पहले रौनक इससे ज़्यादा थी या बहुत ज़्यादा? अब तो यार भीड़ तो ऐसे ही है, भीड़ है, दुकानदारी कम। अच्छा, काम कम हल्का चल रहा है। वो तो भैया हर जगह मंदा ही चल रहा है, काम तो ऐसा ही है। अब लॉकडाउन में पैसा है ही नहीं किसी के पास, तो लॉकडाउन को मार दिया। हाँ यार, 10-10, 20-20 रुपये मिल रहे हैं घर से, तो 20 रुपये के फुल्ले खा रहे हैं आपके हम पॉपकॉर्न, आप बताओ। गरीब आदमी यार, तो ये हो गया 10 रुपये और लेने हो जाएंगे। भाइयों, मैं दुर्गापुर आया हूँ, ये हमारे भाई टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, देखो अभी तक भीड़ नहीं थी और अब देख रहे हो कैसे भीड़ हो चुकी है। तो भीड़ किस लिए हुई है? भीड़ हुई है चाय के ऊपर, सारी संगत अंदर बैठी हुई थी तो यहाँ चाय बरताई जा रही है, तो चाय के लिए इतनी सारी भीड़ हो गई। सारे अंदर बैठे तो कोई नहीं दिख रहा था, जब चाय आ गई ना सारे आ गए, तो सारी देख लो, ये इधर देखो, इधर हाँ देखो, तो गाइस ठंड बहुत हो चुकी है, दूर से क्या हवा तो नहीं लग रही, बट उत्तराखंड है, पहाड़ियाँ हैं, ठंड तो होगी होगी, चाय पियेंगे, ठंड जोर भगाएंगे। चलो फिर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि हर गुरसिख इस जोड़ मेले के दर्शन कर सके, ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो, बैल आइकन दबा के जाना ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की तुहानू नोटिफिकेशन मिल जावे। लाइक ते कमेंट करके जरूर जाना, मिलते हाँ किसी अगली वीडियो चे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।